अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि वीकली पे कोई डाइवर्जेंस नहीं था, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी जो है वीक का जो, अगर हम डे ऑन डे बेसिस पे हमने करेक्शन देखी ऑब्वियसली, लेकिन वीक की कैंडल हमने जो है बुलिश ही देखी। और अगर वॉल्यूम भी देखे तो वॉल्यूम में भी हमने इंक्रीज देखा। और प्लस जो मेन इंडिकेटर है मेरे पास, जो मैं यूज करता हूँ वॉल्यूम के साथ साथ, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उस पर भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा। जो हमारा पहला बेंचमार्क था, जो मैं काफी दिन से कह रहा था कि 6.5 ट्रिलियन रुपीज या 6,500 बिलियन रुपीज, ये हमारा बेंचमार्क अचीव नहीं हो रहा, इसको मीट नहीं कर पा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्चुनेटली जो है इसको ना सिर्फ इसको रीटेस्ट किया उस बेंचमार्क को, बल्कि उसको ब्रेक भी किया। तो इस वक्त जो है तकरीबन, अब जो हमारा सेकंड, जो हमारा तो नहीं, मेरा अपना सेट किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6,900 के अराउंड तो पहुंच गया है। 7,000 बिलियन जो नेक्स्ट मेरा बेंचमार्क है उसका, मार्केट कैपिटलाइजेशन का, उसको भी मीट करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइन अच्छी है, आगे भी साइन अच्छी है। मैं आपको अभी भी ये लाइन चार्ट के हिसाब से बता दूं कि अभी भी देखें आरएसआई पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो मुझे पुराने फॉलो करने वाले जो सीख रहे हैं, ठीक है, जो सीरियसली इसको लेते हैं, तो उनके लिए जो है ये वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखें कोई डाइवर्जेंस नहीं है वीकली पे, ठीक है। डेली पे अगर हम नजर डालें तो डेली पे भी इस वक्त अभी देखें कोई इस वक्त डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा लाइन चार्ट के साथ देखें। तो ये करेक्शन मैंने पहले भी कहा अपने सोशल मीडिया ग्रुप में भी के करेक्शन जो है, पहले जैसे मार्केट जो है इंडेक्स जो नीचे आ रहा था, मार्केट डाउन साइड पे जा रही थी, तब भी मैंने कहा था कि डोंट बी पैनिक, करेक्शन इज गुड फॉर मार्केट। तो करेक्शन रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट का डिस्काउंट होना जरूरी है, वरना बायर जो है फिर चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमको डिस्काउंट में मिलेगा। जाहिर सी बात है, एक चीज थी, फॉर सपोज मैंने शेयर भी किया था सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, यूनिटी का फंडामेंटल भी सबसे पहले टेक्निकल शेयर किया। अच्छा, मेरा ये होता है टेक्निकल साथ में देखता हूँ कि इसमें ये इसमें क्या वजह है, तो फिर मैं जाहिर सी बात है सर इसका जरा फंडामेंटल, तो मुझे फंडामेंटल पे मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है ऑल दो, लेकिन ये कि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो फंडामेंटल भी मैंने फिर बाद में शेयर किया, तो इसके बाद आपने देखा तो ये जम कहाँ से कहाँ उसने किया। तो अब वो जाहिर सी बात है 12 से लेके अभी 27 रुपए तक चला गया है। अब इसमें आपको यहाँ पे जो सेलर जो है ज्यादा एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे और बायर्स कम नजर आएंगे टेक्निकली, तो हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेस करे। जिस तरह मैंने पहले पाइनियर के बोला था, बहुत डाइवर्जेंस भी आ रहा था इवन, लेकिन फिर भी मैंने मना किया था। मैंने कहा अगर जब तक बिग प्लेयर्स हैं इसमें तो आप इसको शॉर्ट ना करें, क्योंकि उसकी मूवमेंट नजर आ रही थी, ठीक है ना। इसी तरह मैंने डॉलर का भी अगेंस्ट पाक रुपीस, मैंने इसका भी शेयर किया था कि मैंने कहा मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, नीचे आएगा ये डॉलर जो है, लेकिन अगेन वो आपको देखा ना कि इसमें एक माफिया काम कर रहा था, तो वो डॉलर नीचे नहीं आने दे रहा था। अभी भी इस तरह पोजीशन ऐसी है। तो बहरहाल इसमें जो है मार्केट की तरफ आते हैं, और इसमें अभी आगे का जो मैं आपको बता दूं कि रोल ओवर वीक है, तो रोल ओवर वीक में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली जुलाई में सेलिंग आती है, तो ये सेलिंग आएगी तो ये एक तरह से रिट्रेसमेंट होगी हमारे लिए, तो उसका आप जरा वेट करें और डाउन साइड पे जो है वो आप बाय करें। अभी हायर साइड पे मेरा मशवरा है बाय ना करें, और मैंने ये अपने ग्रुप में बोला था। अच्छा, ग्रुप से याद आया, मैंने अपने लिंक दिया हुआ है ट्रेड, बहुत से लोगों ने मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम में भी पूछा था, इवन अभी तो मैंने इसको इंस्टाग्राम को भी इनएक्टिव किया हुआ है, टिकटॉक है, फेसबुक है। तो बहरहाल ये मैंने ये दे दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें अपने व्हाट्सएप में, सर्च में डाल दें, तो ये आपका ये आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो जिनको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरा ट्रेड अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें वो नहीं है, चार्जेस नहीं किसी किस्म के। एनालिसिस उधर भी शेयर किए जाते हैं और थोड़ा सा हिंट दिया जाता है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा आप ये एक्यूमुलेट कर लें, यहाँ से अच्छा लग रहा है, और कीप इट इन योर वॉच लिस्ट समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आप थोड़ा उसको इंशाल्लाह आपके लिए होपफुली कुछ फायदेमंद हो सकेगा। तो चलिए आइए चलते हैं अगेन। पहले तो सबसे पहले हम सीपीआर से शुरू करते हैं। वीकली सीपीआर श्रिंक हो रहा है अप साइड पे,
तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। और देखे ना, श्रिंक होता है तो ये एक इंडिकेशन, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेशन होती है टेक्निकल में, ठीक है। मैं हमेशा कहता रहा हूं मे रीटेस्ट, कैन रीटेस्ट, ठीक है। मस्ट नहीं यूज करता हूं कि मस्ट रीटेस्ट और मस्ट बी और इस तरह नहीं होता है, कैन का होता है। तो बहरहाल आप इसमें जो है, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी देखिए यहाँ पे मार्केट आई थी, तो जाहिर सी बात है मैं, मेरे लव्स यही होते हैं, एक्सपोज्ड हो गया है फला लेवल या फला प्राइस एक्सपोज्ड हो गई है, ठीक है, या फिर मे रिटेस्ट, कैन रिटेस्ट, ये कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेशन होती है। और ये चीजें सीधी सी बात है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर चलेंगे तो सेकंड क्या, कब दूसरा क्या आएगा, दूसरा फ्लोर आएगा ना इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा, सेकंड फ्लोर आएगा। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर आ गया, आप इसी तरह ऊपर चढ़ते हैं तो थर्ड सेकंड फ्लोर आएगा। तो इसी तरह जिस तरह मार्केट नीचे, अभी आप देखें ना, मैं आपको यहां से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी लेकिन आपकी समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें यहाँ इस वाले लेवल पे, मैं आपको बता दूं ये है, ये तकरीबन अप्रैल का महीना है, ठीक है ना, अप्रैल के महीने में ये वीकली है, तो महीना अप्रैल का शुरू हो रहा था। तो यहाँ से देखें कितना सबसे डाउन साइड यहाँ पे आया है, ये 2020 का है, ऑब्वियसली कोरोना का चल रहा था, तो इसका मैं आपको लो बता दूं, 27,000 का लो किया है, 27,040 का। अच्छा, फिर यहाँ से अपने अपसाइड मूवमेंट देखा, ये वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, डेली में कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीक ड्यूरिंग द वीक ये वापस नीचे भी आए होगा, यहाँ पे इसको भी रिटेस्ट किया होगा 28 पे, 27.5 पे। तो इससे फिर यहाँ पे वीकली पे अगर देखें तो इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर इससे हम इसको टेक्निकली कहते हैं बुलिश फ्लैग, ये नीचे रिट्रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर अगेन एक जो हाई जिसने एक बनाया, हाई बनाता हुआ बल्कि चला गया वीक ऑन वीक बेसिस पे, फिर यहाँ पे रिट्रेस्ट किया और यहाँ एक्यूमुलेशन शुरू हो गई, और यही पर ही जो है ना काफी लोगों ने शॉर्ट भी किए। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा कि इंडिकेशन के साथ कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर मार्केट डाउन साइड पे या अप साइड पे साइडवेज हो जाए तो थोड़ा वेट करें, तो इसमें जो है आपको, आप लूज भी कर सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट, क्योंकि आप यहाँ पे चलेंगे वो अगेन, आपने एक मशहूर वीडियो बहुत देखी होगी, वायरल हो गई कि मैंने ऊपर लिया फिर प्राइस नीचे आ गया, मैंने नीचे बेच दिया फिर जो है वहां से प्राइस और ऊपर चला गया तो मैंने फिर ले लिया। तो ये इस तरह ये होता है इसमें कंसोलिडेशन फेज में और एक्यूमुलेशन में। तो इसमें आपके साथ यही प्रैंक होता रहेगा, क्या ऊपर पे लेंगे नीचे पे बेच देंगे, इस तरह की पैनिक आती है इसमें। तो साइडवेज में हमेशा मेरे पास जो भी मुझसे पूछता है फला स्टॉक का या फला या इन इन कलेक्टिवली मार्केट का ओवरऑल पूछते हैं, तो फिर मैं बताता हूँ कि मार्केट साइडवेज है तो आपकी साइडलाइन हो जाए, साइडवेज मीन्स यू शुड बी ऑन साइडलाइन। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट किया उसने, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकंड यहाँ पे हुआ बुलिश फ्लैग। रिट्रेसमेंट को हम इसको टेक्निकल टर्म में बुलिश फ्लैग बोलते हैं कि बुलिश फ्लैग बना, क्योंकि मार्केट अपसाइड पे जा रही रिट्रेस करती हुई, तो ये बुलिश फ्लैग बनाती हुई जाती है। फिर अगेन ये एक बुलिश फ्लैग बना अपसाइड पे, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे डोजेस बनना शुरू हो गए, यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ सूरत हाल हो रही थी, यहाँ पे कम वॉल्यूम जो है स्प्रेड के साथ मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ गई, तो यहाँ पे भी आदमी को साइडलाइन हो जाना चाहिए अनलेस और अंटिल को इंडिकेशन ना मिले। तो ये क्या, यहाँ पे डाउन साइड की इंडिकेशन मिली। अच्छा, अब इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट बुलिश लेग था, ठीक है, इसकी अगर ये क्लोजिंग ले लें ये वाली, तो ये एक सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल ऑन वीकली चार्ट। अब आप देखें इसके नीचे आती थी मार्केट, इंडेक्स नीचे आता था अपसाइड, अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं शॉर्ट करना, अरे नीचे आ गया शॉर्ट करना शुरू कर दिया फिर आगे ऊपर, तो ये हमारे साथ प्रैंक होता रहता है ये, तो काइंडली इस प्रैंक से बचें और डाउन साइड पे बाय करें। अभी भी इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि बाय लो सेल हाई है, तो आप फंस भी सकते हैं इधर कहीं ना कहीं। अब देखें यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ और इसकी कंफर्मेशन यहाँ मिल गई, अब मार्केट यहाँ पे देखें कंसोलिडेट शुरू कर दिए यहाँ पे इस साइड पे, मैं आपको शेयर कर दूं ये वाला, ठीक है, ये दो लेवल के दरमियान जो है कंसोलिडेशन शुरू हो गई और यही हमारा है ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आगे जाके बन गया, जब ये मार्केट ने, ये आपको बता दूं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ये पीटी, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हो गई, ये अब ये हो गई है जिसको अभी ब्रेक किया, मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो देखें मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं किया, अगेन मार्केट फिर ये लोअर साइड पे आई, कहां पे आई, सेकंड बुलिश फ्लैग का जो सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी हम यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग लेंगे, ये वाली येलो कैंडल की, इस कैंडल की, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे फिर ये सेकंड जो रिट्रेस, फर्स्ट रिट्रेसमेंट था वो सेकंड सपोर्ट
एक्टिंग एज ए सेकेंड सपोर्ट। अब इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, ये हमारा फिर हो गया था एरिया ऑफ वैल्यू। पहला एरिया ऑफ वैल्यू था जो कि देख हमेशा याद रहे टेक्निकल में जो सपोर्ट होता है अगर वो टूट जाता है और रीटेस्ट करके वहां से हम रिजेक्शन देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, या जिस तरह ये दो बैंड बन जाते हैं अपर बैंड लोअर बैंड रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के। अगर सपोर्ट के लोअर बैंड बन रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं लोअर आर एस आई पे। इसी तरह हाई आर एस आई पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है तो यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट में बहुत से लोग समझते हैं ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट टॉप तो यहाँ से ना 60-70 हजार पॉइंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन का वेट करें आप। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है ना तो थोड़ा वेट करें, ठीक है। अच्छा भारत मैं आपको यह बता दूं कि ये एक और भी यहाँ पे लेके बता दूं, ये वाला, ठीक है। ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी में सॉरी एरिया ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका था ये, और इस एरिया ऑफ वैल्यू को इसने रीटेस्ट किया इंडेक्स ने। एरिया ऑफ वैल्यू इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं तो आपके आपको या कलर से थोड़ा आसानी हो जाएगा, भाई ग्रीन कलर सपोर्ट है या एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक। अब मार्केट देखें तो इन बिटवीन 38,600 से लेके 43,800 यहाँ पे मूवमेंट अपनी करती रही, बल्कि समझे ज्यादा तो 42,800 पे करती रही, उसके बाद इसको रिटेस्ट भी नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन किया 42,286, और उससे जब ये मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू तभी मैंने कहा था 42,300 मैक्सिमम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और 42,800-900 यहाँ से भी मार्केट ने करेक्शन ली थी पहले भी यहाँ से, तो ये एक हिस्ट्री रिपीट होने जा रही थी। लेकिन मैंने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये एक यहाँ पे मार्केट डिच कर जाए। तो बहरहाल अभी हम देखें तो ये इस वक्त जो है मार्केट का करंट सिनेरियो ये है, और इस वक्त जो सीपीआर जो है वो श्रिंक हो रहा है अपर साइड पे, तो थोड़ा केयरफुल होके काम करें। तो सीपीआर की मदद से देखें तो अभी जो है इसका सस्टेन होना 45,000 या 46,000 समझ लें, 46,000 के ऊपर मार्केट का परफॉर्म करना सस्टेन होना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। लेकिन मैं समझता हूं कि मार्केट रिट्रेस इसको करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने ये निकाला इसका 43,800, हो सकता है ये इसको भी रिटेस्ट करे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, और वैसे भी देखें कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, इसको तोड़ा था। ये देखें यहाँ ब्रेकआउट मिला, सेकंड बुलिश कैंडल बनी, थर्ड बुलिश कैंडल बनी, तो हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट, जैसे हम टेक्निकली कहते हैं कि जैसे थ्री ब्लैक क्रोस बनते हैं, थ्री ब्लैक क्रोस का मतलब जैसे ये तीन बुलिश कैंडल, इसके अलावा इसके बाद फिर ये बेरिश कैंडल बनी, तीन बेरिश कैंडल के बाद, तो यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी लेकिन नहीं हुई। तो ऐसी बातें, मार्केट के मूवर और शेकर हम लोग नहीं है, तो हम लोग अपनी जो है ना नहीं झाड़ा करें ये मैं आपको स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया में आके जो है वो यू है फला हो जाएगा, ये शेयर इतने का हो जाएगा, तो इस तरह जो है वो नहीं झाड़ा करें क्योंकि हम मूवर एंड शेकर नहीं है। तो बराए मेहरबानी मार्केट के साथ चलें, मार्केट के साथ चलेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। आप देखें कि मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है, इंडिकेशन नीचे बता रहा है, तो बाद अवकात देखें अपर साइड पे भी आ रहा है से 80-90 तक पहुंच जाते हैं, वहां मेंटेन कर रहा होता है, प्राइस ऊपर जा रही होती है। इसी तरह लोअर साइड पे भी इवन 20 तक आ गया है, उसको मेंटेन किया है और नीचे चला जा रहा है, प्राइस नीचे चली जा रही है, 20 मेंटेन हो रहा है, 19 तक 16 तक भी आया इवन आरएसआई, तो इसमें फिर इंडिकेशन भी काफी जो है वीक पड़ जाती है। अगर मूवर एंड शेकर बहुत स्ट्रांग हो मार्केट के, वो अगर किसी को प्राइस को नीचे लाना चाहे तो आप नहीं रोक सकते। आप देखेंगे वो बहुत लोअर साइड पे आ गए, एक चीज 600 रुपए की थी वो जो 100 रुपए हो गए ले लो, नहीं वो आप, मैं आपको यूडीबीएल की मिसाल बता दूं, यूनाइटेड ब्रांड 680 आई थिंक 600 कुछ कर लो हाई है, आप इसका लो देखें 7.5 रुपए का, तो आप नहीं रोक सकते। नीचे आते हुए भी किसी स्टॉक को नहीं रोक सकते, ऊपर जाते हुए भी नहीं, आप शॉर्ट करते जाएंगे ऊपर बढ़ता चला जाएगा वो स्टॉक। तो काइंडली मार्केट के साथ चलें, इंडिकेशन कंफर्मेशन कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन इन सब को ध्यान में रखें, ये सब चीजें अगर हो रही हो तो थोड़ा मोहतात रह के काम करें, ज्यादा क्वांटिटी पे शॉर्ट ना करें, ज्यादा क्वांटिटी में नीचे पे बाय ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ रैशनली जो है, बहुत से लोग चंक्स कहते हैं, आपको अगर ये वर्ड सूट करता है तो चंक्स में बाय करें, चंक्स का मतलब भी वही रैशनली आप थोड़ा थोड़ा स्प्लिट बाइंग जिसे हम कहते हैं उसमें आप ये
स्ट्रेटेजी आप अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, क्योंकि अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अब ये जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी थी ये एरिया ऑफ वैल्यू बन गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरा इंडिकेशन, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मैक्सिमम जहां से हमने रिजेक्शन देखी थी उसी को हम लेंगे। ये रिजेक्शन हमने यहां देखी थी 49,000 के अराउंड, ठीक है। इसको अगर हम लेंगे तो ये एक ये जो है एक ये सपोर्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देता हूं। इसके बाद सबसे पहले तो सीपीआर है, सबसे पहले आप सीपीआर की इंडिकेशन लेंगे। ये वाला लेवल जो है ये हम रिटेस्ट हो सकता, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि आपकी सही समझ में आ जाए। ठीक है, ये है 44,000 के अराउंड, 44,100 से लेके 44,000 और इवन 43,900। ये इसके बाद होगा जब ये इसको वीक ऑन वीक बेस, हमेशा याद रखें मैं आपके साथ ये वीकली रैप अप शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है 45,222 अगर इसको सस्टेन नहीं करता है तो ये एरिया रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंडली जो है हम इसके अब बॉडी पे आते हैं। वहां पे जैसे हम कहते हैं ना विक बनती है, विक देखिए विक का मतलब होता है कि बहुत ही वॉलेटाइल अगर कोई मार्केट या कोई स्टॉक है तो आपने देखा होगा इसमें बाइंग आ रही है एकदम से, फिर ये जो है ना अपना रेजिस्टेंस को भी जाके ऊपर दूसरे रेजिस्टेंस पे जाके एक बड़ी विक बनाता है। जैसे अभी हमने ये फौजी फूड में देखा, बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत वॉल्यूम बने, अपर साइड पे बड़े जो है इसमें बना, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन आपने देखा रिजेक्शन, बहुत बड़ी रिजेक्शन आई है। वो मैं फिर आपके साथ कभी शेयर करूंगा फौजी फूड का। ठीक है, अब आप देखें अगेन इसकी अगर हम बॉडी ले तो ये वाला लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है। ये वाला लेवल मैं बीटी को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि ये आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, ये वाला लेवल 43,300 ये लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। मैं यहाँ से एक यहाँ पर भी जो है ग्रीन लाइन जो है ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल रे जो है ड्रॉ कर, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे कोई विक वगैरह बन सकती है। ठीक है, तो ये लेवल जो है ऐसी बात है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट हो जाए। अरे आपने तो ये सपोर्ट बोला था तो ये तो तोड़ दिया और इसके बाद यहाँ से बढ़ के चला गया, आपने तो बोला था ये है और इसके बाद ब्रेक डाउन होंगे हमने शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, आपने वेट करना है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं वीक वन वीक बेसिस पे, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। और यस मैंने कहा था कि 36,000 भी एक्सपोज हो गया है, वो मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन और हमारा जो मैं वीकली जो है स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूँ उसमें रिजर्व भी बहुत नीचे आ गए थे, इवन 3.5 बिलियन रुपीज जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व रह गए थे। तो ये सब चीजें अचानक, फिर मैंने क्या बोला, मैंने कभी देखें यहाँ से यहाँ एक डर, कभी भी एक कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, किसी भी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जिंदगी में आते हैं, हकीकत में आते हैं। तो यहाँ पे भी एक टेबल जो है वो टर्न अराउंड हुई, एक मतलब समझे मैसिव किस्म का। देखिए यहाँ पे IMF की खबर आ गई, उन्होंने भी रिलीज किए, फिर सऊदी अरब से भी आया, तो ये सब खबरें आने लगी जाते मार्केट। और मैंने कहा भी था अपने ग्रुप में कि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लोग अपने PPLP डाटा में शेयर कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड सेल में है, फिर मोहताद रहे, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को नीचे साइड, देखिए डाउन साइड पे है लेकिन नो रिस्क नो गेन होता है, मैंने डाउन साइड पे भी अपने क्लाइंट को बाय कॉल दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो फायदे में भी रहे। तो मार्केट अपनी जगह नीचे आती है, कहीं भी मार्केट डिच कर जाती है। देखें यहाँ मैंने पहले भी वीकली आपके साथ शेयर किया था, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मुस्तकिल उनको मैंने बताया था, देखें जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने डिच किया था इंडेक्स ने, सेकंड जो है बुलिश कैसे इनको एनगल्फ किया, यहाँ पर भी देखें यही नीचे आई और यहाँ पे डिच करके मार्केट ऊपर चली गई। तो अब हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा सा ही असेंडिंग ट्रायंगल है, इसको इसका ब्रेकआउट मिला है। तो आगे अगेन हम जैसे यहाँ पे अगेन ये वाला लेवल जो है 47,000 48,000, ये 47,000 से लेके 49,000 ये मार्केट यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है रिटेस्ट हो गया, क्योंकि देखे ना काफी मार्केट ऊपर जाती है तो रिटेस्ट जरूर करती है, तो यहाँ पे गई है, हो सकता है और ऊपर भी जाए,
रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो इसलिए मैंने देखे काफी आपके साथ इंडिकेशन शेयर किए हैं आपने यहाँ पे। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीपीआर का बैक टेस्ट चल रहा है, काफी हद तक ये काम भी कर रहा है इस वक्त। और सीपीआर का मैंने, जो मुझे पुराने फॉलो करते हैं जो मेरी फुल वीडियो देखते हैं, उस पर सीपीआर का मैंने बता दिया है। वो बहुत से लोग अभी मेरे से इंडिविजुअल व्हाट्सएप करके पूछते हैं मुझे सीपीआर का बता दें, अभी तो बता दें काइंडली, मैं बता चुका हूँ। तो काइंडली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उससे उसका फायदा भी उठाएं। अभी थोड़ी वीडियो ज्यादा हो गई, वरना मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट के दरमियान होती है, तो उसको आप थोड़ा देख लिया करें टाइम निकाल के, तो उसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। सब मैंने पिविट के फॉर्मूले भी बताए हुए हैं, कि ये सब चीजें फॉर्मूले में आती है सब, ये इसका भी एक फॉर्मूला है, ये सब, ये जितने भी इंडिकेटर हैं इन सबके फॉर्मूले हैं, ये ऐसे तुक्के में नहीं बनाए हुए, इन सबके फॉर्मूले हैं। तो उनको फॉर्मूलों को कंपाइल करके इन्होंने एक इंडिकेटर बना दिया, कि आप इंडिकेटर इसको रोगे तो आपको सब फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अपनी अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आपने करनी है वो सेल एंड स्ट्रेंथ रखना है या स्टॉप लॉ जरूर रखें। देखिए हमेशा टेक्निकल में स्टॉप लॉ जरूर रखा करें, रिस्क मैनेज, टेक्निकल आपको रिस्क मैनेज करना सिखाता है, ठीक है ना। इवन अगर आप रोड क्रॉस भी कर रहे हैं तो ऐसे सीधा सीधा आप अंधों की तरह ना चले, आप साइड दाएं बाएं देखते हैं ना, रिस्क अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं, कि भाई कोई सीधे हाथ से तो गाड़ी नहीं मार देगी, या उल्टे हाथ से कोई जो है ट्रक वगैरह तो नहीं आ रहा जो मुझे मार देगा। आप दोनों तरफ से रोड क्लियर देखते हैं फिर रोड क्रॉस करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसी तरह यहाँ पे भी रिस्क मैनेज करके चले, यार ये अगर बहुत नीचे आ गया तो यार मुझे ज्यादा लॉस तो नहीं जाएगा, चलो यार मैं 2% का लॉस कर लेता हूँ। तो ये अपना स्टॉप लॉस जो है आप ट्रेल करते हुए चले। तो बहरहाल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो चले मैं आपको ये भी बता दूं डाउन साइड पे भी, लेकिन अभी तो खैर मुश्किल नजर आ रहा है ये डाउन साइड का जो है। अगर ये जो है एरिया वैल्यू में जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, जो एरिया ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट हो गया और इसको रिटेस्ट नहीं करता, यहाँ रिजेक्शन विटनेस करते हैं अगर हम आने वाले दिनों में, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 40,700 भी हो सकता है, ठीक है। अब आप ये बात पकड़ के मत बैठ जाएगा कि आप भाई ये आबिद भाई ने तो ये तो 40,700 बोला था, मार्केट तो 50-60,000 चली गई है, ठीक है। तो ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज में से है। और इसकी लेटेस्ट मिसाल जो मैं काफी शेयर कर रहा हूँ कोल है, 450 के अराउंड कोल था, उसको मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा भाई ये हो सकता है $112 पे और इवन $95 पे भी आ जाए, तो आया, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज 450 पे है तो 4,500 हो जाएगी, वो बहुत नीचे भी आ सकती है। इसके भी मिसाल मैंने पहले शेयर के हिसाब से भी दिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से भी, UVDL के हिसाब मिसाल मैंने दी है, तो ऐसा हो सकता है। तो कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई, अगर आपने फुल वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपने इसमें से कोई नॉलेज गेन ही किया होगा मुझे उम्मीद है। तो बहरहाल ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।